की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 18 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 18 का टाइटल है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये इस सबसे पहले इस चैप्टर का जरा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है बोहर्स थ्योरी। दूसरा टॉपिक आपके पास है एक्सरेज और तीसरा टॉपिक है लेजर। और इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं 10 न्यूमेरिकल इस चैप्टर में है, 10 न्यूमेरिकल्स हैं, राइट स्टूडेंट। ये होल चैप्टर है। रिड्यूस सिलेबस के बाद, कंडेंस सिलेबस के बाद इस चैप्टर में कोई तब्दीली नहीं की गई है। ये होल चैप्टर जो है वो आपके सिलेबस में इंक्लूड है, यानी ये भी पढ़ना है, ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, और इसका मतलब ये हुआ कि सारे न्यूमेरिकल्स भी इंक्लूड है। कंडेंस सिलेबस में इस टॉपिक से कुछ भी नहीं निकाला गया है, राइट स्टूडेंट्स। अब जरा इस चैप्टर को एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लीजिए। इस चैप्टर में तकरीबन 9 से 12 मार्क्स तक का क्वेश्चंस एवरी ईयर पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। इसमें ये जो टॉपिक है इसका वेटेज चैप्टर का 70% है, और ये 10% है, और ये 20% है। ये वेटेज है चैप्टर का। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 1 पे इंपॉर्टेंट ये है, नंबर 2 पर ये है, और ये नंबर 3 पर होता है। इस टॉपिक से पेपर में सेक्शंस बी और सी दोनों में क्वेश्चन आ सकता है। इससे पेपर में सेक्शन बी में क्वेश्चन आ सकता है, इससे पेपर में सेक्शन बी में क्वेश्चन आ सकता है। स्टूडेंट्स, इन 10 प्रॉब्लम्स में जो इंपॉर्टेंट है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, पार्ट ए, नंबर 5 और नंबर 8 कह लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस चैप्टर से बोहर थ्योरी का जो टॉपिक है इसके न्यूमेरिकल्स आउट ऑफ बुक भी आते हैं, जो चैप्टर के एंड में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन से अगर कोई बात पूछनी होगी तो लाइव सेशन में फिर डिस्कस कीजिएगा, राइट स्टूडेंट्स। अभी हम लोग चैप्टर का पहला टॉपिक जो कि बोहर्स थ्योरी का है, ये स्टडी करना शुरू कर रहे हैं। बोहर्स थ्योरी, राइट, गौर से सुनिएगा। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में, 9 की केमिस्ट्री में एक टॉपिक आपने पढ़ा था, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल।
ये वो थ्योरी है, या कहिए रदरफोर्ड वो साइंटिस्ट है जिसने एटम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था। ये जो आप पढ़ते हो कि एक एटम के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा जो सॉलिड होता है स्फेरिकल शेप में होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। एटम का दूसरा पार्ट ऑफ द एटम कहा जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। ये सारी बातें रदरफोर्ड थ्योरी के जरिए हमें मिली है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बड़ा कमाल की थ्योरी है, लेकिन उस थ्योरी में कुछ डिफेक्ट्स भी मौजूद थे। जैसे फॉर एग्जांपल, रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड यूनिफॉर्म स्पीड से घूमता रहता है, लेकिन जब उससे पूछा गया कि ये कैसे मुमकिन है, अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो मूव करने के दौरान एनर्जी कंज्यूम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होनी चाहिए, और कम होते होते एक वक्त ऐसा भी आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो जाए और इलेक्ट्रॉन रुक जाए और न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ मिल जाए, क्योंकि प्रोटॉन भी रेस्ट में होता है। रदरफोर्ड के पास इस तरह के क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं था। रदरफोर्ड किया गया, लेकिन कुछ पॉइंट्स को डिफेक्ट में ऐड किया गया। रदरफोर्ड थ्योरी के बाद एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था बोहर। इस साइंटिस्ट ने भी एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करना शुरू किया। अपने रिसर्च के बाद बोहर ने भी सारी वही बात बताई जो रदरफोर्ड ने उसको वेरीफाई किया। बोहर ने भी यही कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता रहता है, लेकिन बोहर ने साथ में यह भी कहा कि इलेक्ट्रॉन जब यूनिफॉर्म स्पीड से न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता रहता है तो उसकी एनर्जी भी कंज्यूम होती है, उसकी एनर्जी कम होती है, होती रहती है, कम होते होते एक वक्त ऐसा भी आएगा कि उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, प्रोटॉन के साथ मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए इलेक्ट्रॉन पर एक पाबंदी लगानी होगी। वो पाबंदी ये है कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़कर दूसरे ऑर्बिट में ना जाए, दूसरे ऑर्बिट में ना जाए। लेकिन ऐसा होता, बोहर ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट को जब छोड़कर दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो जिस ऑर्बिट में जम करता है उस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स और जम करने वाले इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान कोलिजन होता है। उस कोलिजन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर यूज कर चुका होता है, और ये फिनोमेना एक सेकंड में करोड़ों मरतबा होता है। एक सेकंड में करोड़ों मरतबा, इतनी तेजी के साथ ये फिनोमेना होता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वेरिएशन का कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमें कांस्टेंट मिलती है, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट होगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा। बोहर के रिसर्च को मान लिया गया, रदरफोर्ड की थ्योरी में जो डिफेक्ट था उसे रिमूव कर दिया गया, और बोहर के इस कॉन्सेप्ट को फर्स्ट पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर थ्योरी का नाम दिया गया। इसे बोहर के फर्स्ट पोस्टुलेट का नाम दिया गया, फर्स्ट पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर थ्योरी। बोहर का पहला पोस्टुलेट क्या है? बोहर का पहला पोस्टुलेट यह है कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है
तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है और एनर्जी कांस्टेंट होने की वजह से उसकी स्पीड भी यूनिफॉर्म रहती है। ये बोहर का पहला पोस्टुलेट था। स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछे कि बोहर का पहला पोस्टुलेट क्यों दिया गया, तो आप कहेंगे बोहर का पहला पोस्टुलेट रदरफोर्ड्स थ्योरी में जो डिफेक्ट था उसे रिमूव करने के लिए दिया गया। इतनी वर्किंग करने के बाद बोहर ने अपने रिसर्च को आगे कंटिन्यू किया और फिर एक सेकेंड पोस्टुलेट भी उसने एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड दिया। अब सेकेंड पोस्टुलेट क्या है, इसको जानने के लिए पहले एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, फर्ज कीजिए कि ये एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ये ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है, ये ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है। फर्ज कीजिए ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अज्यूम करें कि इलेक्ट्रॉन इस पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, इस पाथ में, इस पाथ को हम लोग ऑर्बिट। स्टूडेंट, सबसे पहला एक काम कीजिए, इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में एक रोटेशन कंप्लीट कर ले, यानी ये, तो जो डिस्टेंस कवर करे वो डिस्टेंस जरा कैलकुलेट कर लीजिए, इस डिस्टेंस को हम लोग सर्कमफेरेंस कहते हैं और सर्कमफेरेंस बराबर होता है 2πr के। अज्यूम कीजिए आपने ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया और ये डिस्टेंस है 2πr, जो कि सर्कमफेरेंस है एक्चुअल में। ये काम करने के बाद एक काम और कीजिए, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, सर्कल में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी होगी, ये इसकी लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी v, मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन की लीनियर मोमेंटम भी कैलकुलेट कीजिए। आपने वो भी कैलकुलेट किया, लीनियर मोमेंटम mv, फिर सर्कमफेरेंस और लीनियर मोमेंटम को मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएगा। क्या रिजल्ट आएगा देखिएगा जरा, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर सर्कल का रेडियस, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए सर्कल का रेडियस भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट, पहले पोस्टुलेट में कहा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट तो स्पीड कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट इतना मिलता है 6.625 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड, 6.625 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड। बोहर ने इस कांस्टेंट वैल्यू को प्लैंक कांस्टेंट एच का नाम दिया, H is the Planck constant. एक्चुअल में बोहर ने सर्कमफेरेंस मोमेंटम की कैलकुलेशन के लिए प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट का इस्तेमाल किया था, इसलिए इनकी मदद से जो रिजल्ट ड्राइव हुआ बोहर ने उसे प्लैंक्स के नाम पर ही प्लैंक्स कांस्टेंट का नाम दिया। स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट एक सिंगल ऑर्बिट के लिए लिखा गया है, एटम में कितने ऑर्बिट्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, आप अज्यूम कीजिए एन ऑर्बिट्स हैं, कितने ऑर्बिट्स हैं एन, तो एन ऑर्बिट्स के लिए इसको आप ऐसे लिखेंगे, देखिएगा फॉर एन ऑर्बिट्स
इसको ऐसे लिखेंगे, पाई आर एम वी, एक ऑर्बिट के लिए 1H, टू ऑर्बिट्स के लिए 2H, थ्री के लिए 3H, एन ऑर्बिट के लिए NH, NH, राइट right? इसे जरा सा अरेंज कर लीजिए, मास वेलोसिटी, मास वेलोसिटी, रेडियस को इसके साथ लिखिए, 2 पाई मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड, ये हो गया NH ओवर 2 पाई, राइट right? इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एम वी आर इज इक्वल टू एन को अलग करके लिखा, एच ओवर 2 पाई को अलग कर दिया, राइट स्टूडेंट्स? और से सुनिएगा, एम वी लीनियर मोमेंटम होता है, साथ रेडियस लग जाए तो वो एंगुलर मोमेंटम बन जाता है, एम वी आर ये एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन ऑर्बिट नंबर है, ऑर्बिट नंबर की वैल्यू क्या होगी, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू होल नेचुरल नंबर हो, 1, 2, 3, 4, 5, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल, और एच ओवर 2 पाई ये तो कांस्टेंट है, तो इस स्टेटमेंट को आप ऐसे रीड करेंगे, देखिएगा, When an electron revolves around the nucleus in an orbit, when an electron revolves nucleus in an orbit, then its angular momentum always be equal to integral multiple of h over 2 pi. जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम इन एच ओवर 2 पाई के बराबर होता है। इस स्टेटमेंट को कहते हैं सेकंड पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। ये बोहर का दूसरा, क्या है बोहर का दूसरा पोस्टुलेट, कि जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व तो उसकी एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच ओवर 2 पाई के बराबर होगा। स्टूडेंट्स, अगर कोई आपसे पूछ ले कि बोहर का दूसरा पोस्टुलेट क्यों दिया गया, तो याद रखिएगा एक एटम में, यह भी याद रखिएगा कि बोहर की सारी रिसर्च वर्क हाइड्रोजन एटम के लिए है। हाइड्रोजन एटम में बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, उन ऑर्बिट्स का रेडियस मालूम करने के लिए, रेडियस मालूम करने के लिए बोहर ने दूसरा पोस्टुलेट दिया था। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग दूसरा पोस्टुलेट यूज करेंगे और हाइड्रोजन एटम में जो बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं उनका रेडियस मालूम करने का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, राइट? तो यही से कंटिन्यू करते हैं, देखिएगा जरा, एच कॉन्स्टेंट है, 2 पाई कॉन्स्टेंट है, H की वैल्यू ये है 6.625 पावर माइनस 34, एच को 2 पाई से डिवाइड करेंगे ये आएगा 1.05 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड। इस कॉस्ट H कट कहा जाता है, H कट यानी H लिखकर ऊपर उसको कट करेंगे, इसको रीड करोगे H कट, एच कट की वैल्यू भी याद रखनी है 1.05 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। तो ये रिजल्ट फिर कुछ ये हो गया, देखिएगा, एम वी आर इज एच ओवर 2 पाई, दिस इज इक्वल टू एच कट, एम आर मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड, तो वी इक्वल हो गया एन एच कट ओवर एम आर। इसे इक्वेशन 1 का नाम दीजिए। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, नाउ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिट सर्कुलर पाथ है, इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उस पर 2 टाइप की फोर्सेस लगती हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है? टूवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला ये है, एज वी नो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। यहां पर इलेक्ट्रॉन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का एक और फॉर्मूला है और वो ये है, एंड एफ इज इक्वल टू ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर के। ये मैं कहां से लाया? ये कूलम्स लॉ से लिया है। ये कहां से लिया है? कूलम्स लॉ से। ये कूलम्स लॉ से लिया गया है। अगर इसको नजर नहीं आ रहा तो मैं जरा इसको नीचे लिख देता हूं, के ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर के। ये कूलम्स लॉ से लिया है। कूलम्स लॉ ये, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। यहां कूलम्स लॉ अप्लाई कीजिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के दरमियान अट्रैक्शन के इलेक्ट्रॉन ई, प्रोटॉन का चार्ज ई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज बराबर होता है, उसकी स्मॉल ई से लिखते हो, 1.6 × −19 कूलम इसकी वैल्यू है। तो Q1 भी ई, Q2 भी ई और इन दोनों चार्ज के दरमियान डिस्टेंस रेडियस के बराबर है, डिस्टेंस ये आर स्क्वायर एज इट इज। तो एफ इज इक्वल टू के ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, ये रिजल्ट बना, राइट? ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इन दोनों को कंपेयर कीजिए, इन दोनों को कंपेयर कीजिए, दोनों एफ के बराबर है। तो इसको आपने ऐसे लिखा, एम वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। एक आर से एक आर स्क्वायर कैंसिल, ये रह गया एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर ओवर आर, राइट? स्टूडेंट्स इस वी की वैल्यू को यहां पुट कीजिए। मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन वन, देखिएगा जरा, एम एज इट इज और इस वी की जगह ये कंप्लीट वैल्यू एन एच कट ओवर एम आर, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को एज इट इज कॉपी किया, दिस इज आर। देखिएगा स्टूडेंट्स, क्लियर है? अब इसको सॉल्व कीजिए, एम ये स्क्वायर सब पर है तो आपने कहा एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ये के ई स्क्वायर ओवर आर एज इट इज कॉपी किया, राइट? ये एम से एम कैंसिल, ये एक आर से ये एक आर कैंसिल, क्या रह गया? एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर एम आर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर, ये रह गया, राइट? आर डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई, के स्क्वायर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, तो रिजल्ट क्या हुआ? एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर एम, के स्क्वायर को इधर ले आइए, दिस इज के स्क्वायर, आर को इधर लेकर जाइए, दिस इस रिजल्ट को आप ऐसे लिखिए, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर और बाकी वैल्यूज को ब्रैकेट में लिख लीजिए, एच कट स्क्वायर ओवर एम के ई स्क्वायर, राइट? यानी इस रिजल्ट के अंदर जो कांस्टेंट वैल्यू थी उन सबको मैंने ब्रैकेट में लिखा, सिर्फ एन नंबर ऑफ ऑर्बिट ये वेरिएबल था इसको मैंने बाहर निकाला है। इस रिजल्ट में वेयर
एच कट कांस्टेंट है 1.0 पर -34 जूल सेकेंड। एम इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻³⁻¹ के जी। के कूलम कांस्टेंट 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एंड ई इज द इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 × 10⁻¹⁹ कूलम। ब्रैकेट के अंदर जो कुछ था वो सब कांस्टेंट है, ये सारी कांस्टेंट वैल्यू आपको याद करके रखनी है। स्टूडेंट्स, अगर ये सारी कांस्टेंट वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूं, सॉल्व करूं, तो सॉल्व करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आर आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एज इट इज। ये सारी कांस्टेंट वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो रिजल्ट आएगा 0.53 × 10⁻¹⁰। रेडियस निकाला है तो यूनिट क्या होगा, मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, लेंथ का एक छोटा यूनिट होता है जिसे फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने एंस्ट्रॉन्ग का नाम दिया था। वन एंस्ट्रॉन्ग ये इक्वल होता है 10⁻¹⁰ मीटर के। तो आप इस रिजल्ट को ऐसे लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर 0.53 और 10⁻¹⁰ मीटर को आपने लिखा है एंस्ट्रॉन्ग, राइट? क्लियर? ये आ गया किसी भी ऑर्बिट का रेडियस मालूम करने का फॉर्मूला, का रेडियस मालूम करने का फॉर्मूला। बोहर ने ये सारा एक्सपेरिमेंट हाइड्रोजन एटम के लिए क्या किया था। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन एक होता है, इसलिए एक्टिव ऑर्बिट सिर्फ एक ही होता है। ऑर्बिट्स बहुत सारे होते हैं, एक्टिव ऑर्बिट्स एक ही होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही है। तो ऑर्बिट नंबर 1 को हम लोग बोहर हाइड्रोजन ऑर्बिट